ओके सर। ये हमने शुरू कर दिया है। तो हमारे ये स्टूडेंट हैं, ये अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, तो हम इनसे ये सेकंड सवाल से पूछना शुरू करते हैं कि आप कितने साल से काम कर रहे हो पीएफ का, सर मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, 2020 से। नहीं और जॉब भी करते हो या फुल टाइम पीएफ का काम करते हो? सर, मैं साथ में जॉब भी करता हूँ। अच्छा, तो आपको जॉब से पीएफ का काम आसान लगता है, और अर्निंग का कितना हिसाब बनता है कि भाई पीएफ में ज़्यादा अर्निंग है या जॉब में ज़्यादा अर्निंग है आपकी? नहीं, फिलहाल तो जॉब में ज्यादा अर्निंग है, पर पीएफ से अच्छा खासा पैसा, मतलब जॉब फिफ्टी से परसेंट करीबन 90% तो पीएफ का काम से हो जाता है। 90% मतलब अगर यस इनकम आपकी 10,000 है सैलरी, तो 9,000 हाँ, रुपये आप पीएफ से कमा लेते हो, यस सर, तो एक तरह से तो आपकी इनकम डबल हो गई। यस सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्लास का कितना योगदान है? क्लास का तो सर पूछिए मत, बहुत योगदान है। ज्यादातर मैं क्लास से ही सीखा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत पहले काम कर लेता था, पर नए नए जो प्रॉब्लम्स आते थे, जो बड़े बड़े इश्यू होते थे, सारा कुछ। और पहले से मैं आपका यूट्यूब चैनल, तो क्लास से पहले से ही मैं यूट्यूब तो आपका फॉलोअर था, तो बहुत कुछ जो बेसिक था वो भी आपसे ही सीखा है। और अच्छा क्लास अच्छा लेने से तो बहुत, मतलब जो भी डाउट थे सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर कोई 50 लाख का आपके पास आता है पीएफ निकलवाने, तो आप डरोगे या फिर निकाल दोगे पीएफ? निकाल दूंगा ना सर, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तो आपके क्लास पचास के कॉन्फिडेंस मिला है मुझे। अच्छा तो 50 लाख रुपए किस रीजन से निकल सकता है? 50 लाख रुपए वाला जितना अमाउंट किस रीजन से निकल सकता है? क्या इलनेस से निकल सकता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। हाउस, कितने समय का उसमें सैलरी देखी जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में, कितने महीनों की? 36 मंथ्स। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो मैंने आपको परचेज ऑफ हाउस नहीं बताया है। परचेज ऑफ हाउस के अंदर पता है 24 महीने की मिलती है, तो यस सर, हमें निकालना हो तो हम बेस्ट रीज़न हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है। कुछ लोग बिना जाने समझे जो है 10,000 रुपये या 50,000 रुपये के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भर देते हैं, तो वो क्या वो सही तरीका है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 5 ईयर्स सर्विस कंप्लीट होने के बाद एक ही बार हमको मिलता है यूज करने के लिए, तो हमें वो 10,000 के लिए ये नहीं यूज करना चाहिए। उससे बेटर है हम इलनेस अप्लाई करें। तो ये चीज़ आपको कोई और YouTube चैनल पे कभी सुना है आपने ये बात? नहीं सर, ये आपसे ही हमने सीखा है। तो इसमें आपको जो है, बाकी और जो YouTube चैनल हैं वो आपको कितना परसेंट लगता है कि सही जानकारी देते हैं? 100 में से कितना परसेंट वो जानकारी सही देते हैं? सही, मुझे तो ऐसा लगता है कि 40% सही होता है। अच्छा 60% गलत होता है। यस सर, ठीक है, और मेरे YouTube चैनल पे कितना परसेंट सही होता है? 99% सर। नाइन्टी वैसे तो नाइन मैं परसेंट 100% बोलना चाहूंगा, पर हाँ, लेकिन 1% फिर इंसान की गलती हो भी सकती है। हाँ, यस ठीक है, सर। ये सही है। और जो संडे को लाइव क्लास होती है वो आपको कैसे लगती है? मतलब जो आपने कोर्स लिया है उसमें संडे लाइव क्लास का कितना आप मान लो कि अगर 10 पॉइंट आप दोगे कोर्स को, तो उसमें संडे को जो लाइव क्लास होती है उसमें कितना पॉइंट दोगे? संडे लाइव क्लास से तो सर मैं 10 में से 10 देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सर हम हमारे पास नॉलेज तो, हम कुछ भी काम करें, कोई भी कोर्स कर ले या कुछ भी करें, तो उसमें क्या होता है, वो एक थियोरिकल नॉलेज होता है, और प्रैक्टिकल क्या है, तो कुछ चीजें हम ऐसा डाउट रह जाता है हमको कि भाई ये बता तो दिया, पर इसमें मुझे ये डाउट है, तो वो डाउट वीडियो देखने से या कुछ थियोरिकल से क्लियर नहीं होती, पर अब किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो वो सारा कुछ क्लास में हमारा हो जाता है कंप्लीट। और व्हाट्सएप में अगर आप कुछ पूछते हो तो व्हाट्सएप में जवाब मिलता है आपको? अरे सर तुरंत, आपका जब भी आप ऑनलाइन होते हो आप तुरंत देखते हो और तुरंत आप रिप्लाई कर देते हो, ऐसा तो नहीं तो किया वो कि भाई क्लास ले लिया आप जवाब क्या देना है, चलो नहीं आपको नहीं सर, कभी ये ऐसा तो नहीं कभी लगा कि नहीं। भाई ऐसा जो है फीस तो ले लिया बताते नहीं है? नहीं नहीं सर, कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको क्लास लिए हुए? अच्छा, क्लास लिए मुझे मुझे करीबन 2 साल हो गया है, तो 1.5 से 2 साल हो गया है। अच्छा, तो आपको 2 साल में कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने आपको बताया ना हो? नहीं 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 सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, और अभी मेरे YouTube चैनल पे 500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो जो सीखते हैं YouTube से वो काफ़ी है, तो क्या YouTube से सीख लेना काफ़ी है या फिर उनको कोर्स लेना चाहिए? नहीं सर,
वाकई में अगर किसी को बेहतर तरीके से काम करना है, जैसे आपने ये वो सवाल पूछा था 50 लाख वाला, ऐसा कोई बड़ा काम करना है और कॉन्फिडेंस से काम करना है तो आपको कोर्स लेना चाहिए। बिकॉज यूट्यूब से आप पूरा नहीं सीख पाते और कुछ डाउट्स भी आपके रह जाते हैं वो जो क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन 3,000 तो महंगा पड़ेगा ना, 3,000 रुपये जितना फायदा होगा क्लास लेकर? अरे सर, 3,000 तो कुछ नहीं है। अगर आपने एक बड़ा केस निपटा भी दिया हाँ तो 3,000 तो उसके सामने कुछ नहीं है। अभी मेरा ही एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपसे ही सीखकर वो एक डेट क्लेम किया था, उसमें से मुझे एक ही केस में 11,000 का फायदा हुआ। तो आप मान लीजिए 3,000 उसके सामने क्या है। और अगर मान लो सपोर्ट नहीं रहता तो आपको डाउट रहता ये कैसे करेंगे, ये होगा नहीं होगा। तो चलो बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगा। तो बाकी अगर कोई लेना चाहे तो आपके हिसाब से लेना चाहिए? यस 100% लेना चाहिए। अच्छा, और आप गुजरात से हो तो अगर गुजराती में कहोगे तो क्या कहोगे? अगर किसी को कहना हो कि भाई क्लास लो या ना लो तो गुजराती में क्या कहोगे? उसमें तो सर मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आ कोर्स खरेखर ले वो जो ये आना थी, तमने बहुत फायदो था सर। आने ठीक है। आना तमे साइड में जो नौकरी पण करता हो तो साइड में तमे सारी एवी इनकम करी शको छो, अने जो ना भी करता हो तो भी तुम्हें करी सको सो काम। जैसे हमारे जो ज्वेलर भाई साहब हैं वो तो मतलब अलग अलग तरह के फील्ड के लोग हैं, कोई क्रेन चला रहा है, कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई इंश्योरेंस में काम कर रहा है। तो ये पीएफ का काम तो शायद हर कोई ही कर सकता है, क्योंकि इसमें हर करना कोई क्या कर है, सकता है सर। बिना टेबल बिना कुर्सी के आप जो है आपका ऑफिस बन गया और लोगों का भी काम करो और जो है अपना भी इनकम करो, है ना? तो कुछ कस्टमर का कॉल आता है ना, तो कोई हाँ। कस्टमर मुझे ये पूछता है कि भाई साहब आपका ऑफिस कहाँ पे, तो मेरा जवाब रहता है सर जी मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं घर से काम करता हूँ और आपका काम मैं घर से ही कर सकता हूँ, मुझे कोई ऑफिस की जरूरत नहीं हो और मैं आराम से आपका काम कर सकता हूँ। ठीक है, रहता है इसमें तो कोई आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा भी नहीं है कि चलो ऑफिस बनवाया तो ऑफिस चाहिए ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है इसमें। बिजली नहीं, बिजली लगेगी या, और जो हाँ सीएससी वाले होते हैं, सीएससी वाले 10,000-20,000 लोग होंगे जो सेंटर खोल के होते हैं, तो हाँ वो लोग भी तो फॉर्म भरते हैं, तो वो लोग सही फॉर्म भरते होंगे? आपको लगता है सही फॉर्म भरते हैं, सही जानकारी होती है उनको? नहीं होती सर, क्योंकि मेरे पास कई सारे कस्टमर आते हैं तो मुझे ऑलरेडी पता ही है कि उनको इतना ही पता होता है कि बस फॉर्म भरना है, कस्टमर आया फॉर्म भर दिया पैसे आ गए बस। एक केस तो मेरे पास ऐसा आया था कि वो बंदा गया उसके उनके पास, सीएससी वाले ने फॉर्म भर दिया, लास्ट कंपनी में 500 रुपये पड़े थे, पैसे आ गए, ओ, अगली नाइनटीन अगली टेन दो सी कंपनी का पैसा फंस गया। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बाकी जो है क्लास चलती रहेगी, आप सीखते रहिए, और नई वीडियोस जो आ रही है ना उनमें जैसे अगर मेरे को ऐसा कुछ लगता है जो मैंने क्लास में नहीं बताया है, तो वो मैं अलग से लेके एप्लीकेशन में अपडेट कर देता हूँ बिना ब्लर के। YouTube पे ओके जाएगा सर, ब्लर के साथ, और क्योंकि YouTube पे तो ब्लर नहीं करूँगा तो क्या होगा, वीडियो को डिलीट मार देते हैं YouTube वाले, वो तो देखा ही है। जो फर्जी जानकारी दे रहे हैं उनका वीडियो चल रहा है धड़ल्ले से, और हम जो यहाँ पे जान निकाल निकाल के बता रहे हैं कि ये देखो ऐसा होता है, ऐसा गलती मत करो, ऐसा गलती मत करो, तो उनका वीडियो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो ये बात सही बात तो ठीक नहीं है ना? नहीं है सर, सही है आपकी बात। चलिए ठीक है, फिर आगे क्लास में मिलते हैं, ये वीडियो एंड करते हैं, ठीक है जी? ओके सर, ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।